हेलो दोस्तों, कामरान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि गाय ने बच्चा दिया कि नहीं। फाइनली अभी तक गाय ने बच्चा नहीं दिया, पर काफ़ी अच्छा आर्डर भी बना है। बच्चा देने से पहले एक या दो दिन पहले हमें कैसे पता कर सकते हैं कि गाय बच्चा देगी, जो कुछ इसके लक्षण है मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। हो सकेगा और गाय दिन में काल्विंग करेगी तो काल्विंग के बाद मैं अपनी गाय को क्या फीड देता हूँ और दूसरा क्या ख्याल रखता हूँ उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर दिन में गाय ने काल्विंग किया तो बच्चे को भी मैं कैसे जो कोलेस्ट्रम पिलाना होता है वो कितना देता हूँ, तो वो सभी भी हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाऊँगा। अक्सर पशुओं में एक दिन पहले गोबर पतला करना और कम खाना भैंस में अक्सर ज़्यादा होता है, पर गाय में कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है कि गोबर भी पतला नहीं करती और खाना भी परफेक्ट खाती है और काल्विंग भी करती है, तो उस हिसाब से हमें पता नहीं चलता कि गाय काल्विंग कब करेगी। और रही बात दूसरी कि जो गाय जब काल्विंग के एकाध या दो दिन पहले जो उसकी पूंछ होती है वहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं, तो पूंछ के दो साइड गड्ढे हो जाते हैं क्योंकि बच्चा नीचे की ओर जाता है, तो उसके के कारण जो दोनों साइड होती है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि अगर गाय का बॉडी स्कोर कम है तो यहाँ पूंछ पूरा खुला हो जाता है, पर इसका बॉडी स्कोर अच्छा है तो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है पर अभी। और एक दूसरा कारण है कि जब गाय काल्विंग पे आती है तो खीस भी उतार देती है, जो कोलेस्ट्रम होता है वो थन में उतार देती है, तो ये दो कारण से हम पता कर सकते हो कि गाय का काल्विंग का समय नज़दीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।